हाय गाइस, मैं हूं आपको भाई करण कुमार। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर आपको एक कीपैड फ़ोन दिख रहा है गाइस। इसमें प्रॉब्लम आप लोग यहां पर खुद देख लो। देखो सिम लगाने का ऑप्शन आ रहा है, देखो नंबर वन पे बता रहा है सिम लगाएं, नंबर टू पे सिम लगाएं। गाइस यहां पर मैंने सिम को बदल के भी देख लिया, नया भी सिम लगा के देख लिया गाइस, तो यहाँ पर सिम नहीं पकड़ रहा। आपके पास इस प्रकार की समस्या आती है उसमें सिम नहीं पकड़ रहा, तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखो, क्योंकि आप लोग जानते हो करण भाई कैसे वीडियो बनाते हैं। पहले मैं आपको समस्या दिखा देना चाहता हूँ, फिर मैं इसी फ़ोन को बनाकर दिखाऊंगा आप लोगों के सामने। यहाँ पर देख लो, इसमें यही ऑप्शन आ रहा है सिम लगाएं, सिम लगाएं। गाइस मैंने सिम को चेंज भी करके देख लिया, फिर भी हमारा फ़ोन नहीं सही हो रहा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहो, आपको सब कुछ मैं दिखाऊंगा कैसे आप लोग फ़ोन को सही करोगे, ठीक है। सबसे पहले करना क्या होगा, आपको इस फ़ोन को ओपन कर लेना, ठीक है। इस यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये मैंने बैटरी निकाल लिया और यहाँ पर देखो ये सिम लगाया गया, ये सिम ओके कंडीशन में। यहाँ पर देख लो एक नंबर पर पड़ा है, हम लोग दो नंबर में भी डालेंगे, आप लोग देखना इसमें भी सिम नहीं पकड़ रहा है। इसमें यहाँ पर पहले आपको चेक करा देता हूँ, फिर इसी फ़ोन को मैं बनाकर दिखाऊंगा। आप लोग ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगी। और आप लोगों से इतना कहूँगा, जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि गाइस आप लोग समझ सकते हो। पहले मैं समस्या दिखा देता हूँ, फिर मैं फ़ोन को रिपेयर करके दिखाता हूँ, ऐसे ही नहीं बना देता हूँ वीडियो। यहाँ पर देखो ये मैं अब इसमें लगा रहा हूँ दो नंबर पर सिम, देखो गाइस इसमें सिम लग चुका है, सिम अब लगा है। देखो गाइस यहाँ पे मैंने लगा दिया है, अब यहाँ पर भी हम लोग इसमें चेक करेंगे। देखो ये बैटरी मैंने लगा दिया है, ये पर सेट को ऑन करेंगे। देखो मैं सेट को ऑन भी कर रहा हूँ, देखते हैं अब सिम पकड़ रहा है नहीं। अभी तो ये एक नंबर में सिम पड़ा था, मैंने दो नंबर में डाल दिया है, देखते हैं पकड़ता है तो ठीक है, नहीं पकड़ता तो मैं आपको बताऊंगा गाइस। मगर मैंने चेक कर लिया, आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग कहोगे करण भाई आपने दो नंबर में डाला ही नहीं सिम। यहाँ पर देख सकते हो वही ऑप्शन आ रहा है सिम लगाएं, सिम लगाएं। तो गाइस अब आपको करना क्या होगा, इस फ़ोन को आपको ओपन करना होगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा, कैसे आप लोग सप्लाई को ट्रेसिंग करोगे और कैसे आप लोग इसमें सिम क्या फॉल्ट सही करोगे, ठीक है सर। तो गाइस यहाँ पर फटाफट मैं सेट को ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सिम निकाल लेंगे, ये सिम मैं निकाल लेता हूँ और इसी सिम को मैं लगाकर दिखाऊंगा गाइस, पकड़ा के दिखाऊंगा, ठीक है। ये सिम हमारा रखा छोटा सा, अब यहाँ पर हम लोग फ़ोन को ओपन करेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने स्क्रू यहाँ पे सारे खोल लिया, थोड़ा मैंने वीडियो को कट कर दिया था, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर देखो ये ऐसे करके यहाँ पर मैं इस फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों के सामने बनाकर दिखाऊंगा कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है। कोई भी फ़ोन आता जरूरी नहीं यही कंपनी का फ़ोन है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये जहाँ पर रिंगर लगा रहा था उसे निकालेंगे, फिर रिंगर निकालेंगे, ये मैंने रिंगर को निकाल लिया, आप लोग अच्छी तरह से निकालना, ठीक है गाइस। ये रिंगर हमारा निकल चुका है और इसके बाद हम लोग लाइट निकालेंगे, ये हमारा रिंगर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लाइट निकालेंगे, ये लाइट, ये कैमरा निकालेंगे, अब यहाँ पर हम लोग इसका मदरबोर्ड बाहर निकाल लेंगे, ठीक है गाइस। ऐसे करके आपको निकाल लेना है गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निकल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर आपको छः पॉइंट दिखाई देंगे, एक बार आपको यहाँ पर देख लेना है इसमें पानी वानी तो नहीं गया गाइस, मुझे तो एक क्लीन दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से मैं दिखा पाऊँ, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने जूम कर लिया, अब यहाँ पर आपको हर एक पॉइंट क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहले स्टेप में आपको एक बार यहाँ पे चेक कर लेना कहीं पर पानी तो नहीं गया गाइस, इसमें देख सकते हो पानी नहीं गया, बिल्कुल क्लीन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। पानी गया होगा तो आप लोग पेट्रोल की मदद से साफ कर लेना पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आपको यहाँ पर सप्लाई चेक कर लेना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तीन इधर पॉइंट है, तीन इधर पॉइंट, तीन इधर, तीन इधर। तो गाइस इनमें होता क्या, देखो एक पॉइंट पर सप्लाई नहीं आएगी, बाकी के जितने पॉइंट रहेंगे उनमें सप्लाई आएगी, आप लोग समझ लेना। यहाँ पर जैसे सप्लाई आ रही तो ठीक है, फिर आपको करना क्या होगा, चलो यहाँ पर पहले हम लोग सप्लाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो आपको सप्लाई चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये मल्टीमीटर है, पीला वाला मल्टीमीटर, इसे आपको यहाँ पे बजर मोड में सेट कर लेना है, यहाँ पर बीप के मोड में। ये स्विच को मैंने घुमाकर यहाँ पर देख सकते हो बजर मोड में मैंने सेट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर अब आप लोग देखो इसमें वायर कैसे लगाओगे, यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर लिखा वी ओम एम ए, यहाँ पर मल्टीमीटर का प्लस वाला वायर लगा देना, जहाँ पर लिखा सी ओ एम माइनस, यहाँ पर आपको मल्टीमीटर का माइनस वाला वायर लगा देना, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा गाइस, इसे मैं अच्छी तरह सेट कर लेता हूँ, थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतना मैंने जूम आउट कर लिया, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा मुझे पता है, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार आपको इसे कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर आप लोग कैसे सप्लाई चेक करोगे, देखो मल्टीमीटर का जो रेड प्रूफ होगा इसे आपको ग्राउंड कर देना, कहीं पर भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर, और माइनस से आपको टच करना। यहाँ पर देखो हम लोग टच करेंगे, सप्लाई आपको पहले चेक कर लेना, ठीक है गाइस। देखो ये ग्राउंड से जुड़ा है, यहाँ पर देखो कुछ भी सप्लाई नहीं आ रही, मैंने क्या बताया एक पॉइंट पर सप्लाई नहीं आएगी, ठीक है। ये दो नंबर पिन है, ये तीन नंबर, देखो तीन नंबर पर आ रही सप्लाई, चार नंबर पर चेक करेंगे इसमें भी सप्लाई आ रही, पाँच नंबर में देखो सप्लाई आ रही, छः नंबर में भी देख लेते हैं गाइस, ठीक है।
छः नंबर पे। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो छः नंबर पे सप्लाई नहीं आ रही, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो छः नंबर पे सप्लाई नहीं आ रही, इसमें सप्लाई आना चाहिए। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हम लोग इसी प्रकार इसमें चेक करेंगे, एक नंबर तो हमारा ग्राउंड से जुड़ा है, दूसरे नंबर पे हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर देखो सप्लाई आ रही है, तीसरे नंबर पर देखो यहाँ पर सप्लाई आ रही है, चौथे नंबर पर सप्लाई आ रही है, पाँचवें नंबर पर देखो सप्लाई आ रही है, छठे नंबर में देखेंगे इसमें भी देखो सप्लाई आके चली जाती है। ठीक है, इसका मतलब इसमें सप्लाई नहीं आ रही। मैंने क्या बताया, एक प्रिंट में सप्लाई नहीं आएगी और बाकी के पांच प्रिंट में सप्लाई आएगी, यहाँ पर देखो इसमें ये वाले पे सप्लाई नहीं आ रही, तो इसका मतलब गाइस इसकी लाइन कहीं से ब्रेक है। तो आपको करना क्या होगा, एक बार आपको यहाँ पर देखो सोल्डिंग आयरन से यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर आपको सोल्ड कर देना गाइस पेस्ट लगा के। चलो यहाँ पर मैं पेस्ट लगा के सोल्डिंग आयरन से सोल्ड कर लेता हूँ, पहले आपको इतना एक काम कर लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर जो ये प्रिंट है जैसे यहाँ पर सोल्ड रहते हैं ये लूज पड़ जाते हैं, इसके कारण यहाँ पर टच नहीं हो पाते हैं और यहाँ पर सप्लाई नहीं आती, आपको इतना काम कर लेना। ठीक है, इसी यहाँ पर देखो मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, आपको पेस्ट लगा लेना है और फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले स्टेप में। ठीक है गाइस, सभी पॉइंट पे आपको सोल्ड कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरी सोल्डिंग आयरन हीट है गाइस, अब यहाँ पर मैं अपनी सोल्डिंग आयरन से यहाँ पर सारे पॉइंट पे यहाँ पर कर लेता हूँ सोल्ड, ऐसे करके आपको कर लेना। ठीक है गाइस, ऐसे करके आपको कर लेना है। अब यहाँ पर हम लोग फिर से सप्लाई चेक करेंगे। ठीक है, सप्लाई चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे सप्लाई आ रही है नहीं। ठीक है, रेड प्रूफ आपको ग्राउंड कर देना, माइनस से चेक करना। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हो अभी भी सप्लाई नहीं आ रही। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हम लोग एक बार सिम लगा के चेक कर लेते हैं। ठीक है, सिम लगा के एक बार हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पर इसका सिम कहाँ गया गाइस, यहाँ पर हम लोग एक बार सिम लगा के इसमें चेक कर लेंगे। यहाँ पर देखो मैं सिम लगा रहा हूँ गाइस, आ जाते तो ठीक है, नहीं आता तो हम लोग ये जो यहाँ पर सिम कनेक्टर इसे हम लोग चेंज करेंगे गाइस। ये मैंने सिम लगा दिया, अब यहाँ पर हम लोग बैटरी को लगाएंगे, ये मैंने बैटरी लगा दी, यहाँ पर पावर की को हम लोग प्रेस करेंगे। ठीक है गाइस, ये पावर की को मैं प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो हमारा सेट ऑन हो रहा है, इसमें नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, सिम पकड़ लेगा तो ठीक है और नेटवर्क तो आ जाएगा जब हम लोग फ़ोन को पैक करेंगे गाइस, देखते हैं सिम पकड़ रहा है नहीं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी भी सिम नहीं पकड़ रहा, आप लोग देख सकते हो सिम लगाएं सिम लगाएं। ठीक है, इतना आपको काम कर लेना है। अब यहाँ पर हम लोग ये जो सिम कनेक्टर है इसे हम लोग चेंज करेंगे गाइस, पहले तो हम लोग ये दो नंबर का सिम कनेक्टर चेंज करेंगे गाइस, फिर हम लोग उसे देखेंगे। तो आप लोग चेंज कैसे करोगे इस वीडियो में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसे निकाल लेंगे, निकालेंगे कैसे, यहाँ पर हॉट एयर गन का यूज़ करना होगा। और गाइस यहाँ पर सबसे पहले यह मल्टीमीटर को मैं इधर दूर रख देता हूँ और यहाँ पर आपको पेस्ट ज़रूर लगा लेना, जब भी आप लोग यहाँ पर काम करना गाइस हॉट एयर गन यूज़ करना तो यहाँ पर आपको पेस्ट लगा लेना। ठीक है गाइस, ऐसे करके आपको पेस्ट लगा लेना है। पहले तो हम लोग दो नंबर को यहाँ पर सिम कनेक्टर को निकालेंगे, एक नंबर पर अभी हम लोग काम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक नंबर पर अभी सप्लाई नहीं आ रही, पहले हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो मैंने पेस्ट लगा लिया, ऐसा करके आपको पेस्ट लगा लेना और यहाँ पर आपको हॉट एयर गन स्टार्ट कर देना। ठीक है गाइस, और गाइस आप लोग देख सकते हो मेरी हॉट एयर गन स्टार्ट हो चुकी है, अब यहाँ पर हम लोग इसे निकालेंगे। निकाल लेने के बाद हम लोग ये जो ये यहाँ पर पुराने फ़ोन से मैंने पहले से निकाल लिया, इसे हम लोग उसी प्रकार लगा देंगे गाइस, आपको उसी प्रकार लगाना, ऐसे करके देखो ऐसे करके हम लोग लगा देंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो जो ये हमारा कनेक्टर है इसमें सप्लाई बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट पे सप्लाई नहीं आ रही, इसमें तो सप्लाई आ रही, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पर जो कनेक्टर है गाइस यहाँ से अंदर से थोड़ा डैमेज हो जाता है, उसका यहाँ पर सिम नहीं पकड़ता। तो हम लोग इसी प्रकार करेंगे, यहाँ पर मेरी हॉट एयर गन भी हीट हो चुकी है गाइस, अब इसे हम लोग निकालेंगे, बड़ी सावधानी के साथ आप लोग करना। ठीक है, आपको पेस्ट जरूर लगा लेना है गाइस ऐसे करके, और अपनी असेंबली मशीन को आपको घुमाते रहना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है,
तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर सिम कनेक्टर को निकाल लिया है आप लोगों के सामने। यहाँ पर मैं SMD मशीन को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर आपको इसे कूल हो जाने देना, मतलब ठंडा हो जाने देना, ठीक है गाइस, थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हम लोग एक नया सिम जैक लगाएंगे किसी दूसरे फ़ोन से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ढूंढ लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक ये मदरबोर्ड है, यहाँ पर आप लोग देख लो इसमें दो सिम जैक हैं। तो यहाँ पर हमें अभी एक लगाना है गाइस, और यहाँ पर हम लोग कैसे लगाएंगे, उसी प्रकार लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग SMD मशीन से इसे निकालेंगे, यहाँ पर हीट मारेंगे, इधर से हीट मारेंगे तो इधर निकाल आएंगे, क्योंकि गाइस हम लोग इधर से हीट मारेंगे तो ये जल के ख़राब हो जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हो। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैं सिम जैक निकालूंगा, ऐसे करके प्लेट को पकड़ूंगा और गाइस यहाँ पर मैं SMD मशीन से हीट मार दूंगा, तो यहाँ पर हमारा सिम जैक निकल जाएगा बड़ी ही आसानी के साथ, ठीक है। ये पुराना मदरबोर्ड है तो इसे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, जो जैक इसमें हम लोगों ने निकाला है गाइस, यहाँ पर हम लोग इस फ़ोन से निकाल के इसमें लगाएंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर मैं जैक को निकाल लूँगा, ऐसे करके इधर से हीट करके, तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने एक जैक यहाँ से निकाल लिया, जो सिम वाली जैक होती है एक मैंने निकाल लिया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे निकल चुकी, और यहाँ पर कोई भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ, मतलब कोई भी जैक यहाँ पे ख़राब नहीं हुई जो प्रिंट होते हैं गाइस 6 वाले। तो यहाँ पर देख लो सारे प्रिंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम लोग पेस्ट लगाएंगे और यहाँ पर अपनी सोल्डिंग आयरन हीट करेंगे। यहाँ पर देखो मैं पेस्ट लगा रहा हूँ, हर एक पॉइंट पर आपको पेस्ट लगा देना है ऐसे करके। ये मैंने पेस्ट लगा दिया। अब गाइस यहाँ पर हम लोग ये जैक को उसी प्रकार रखेंगे और यहाँ पर हम लोग इसे उसी प्रकार सेट कर लेंगे। सोल्डिंग आयरन से करना है आपको, हॉट एयर गन का नहीं यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है, ऐसे करके आपको मिला लेना है, और यहाँ पर आपको सोल्डिंग आयरन से सोल्ड कर देना है गाइस, ठीक है। ये देखो ये सारे पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल क्लीन से मिल चुके हैं गाइस। यहाँ पर हम लोग सोल्डिंग आयरन का यूज करेंगे और इसमें ज़्यादा रंगा लगा, इसे मैं यहाँ से बाहर कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि इसमें ज़्यादा रंगा लग चुका है। यहाँ पर हम लोग इसे ऐसे करके बाहर कर लेंगे। ऐसे करके यहाँ पर हम लोग इसे साफ़ कर लेंगे, क्योंकि लगाने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर मैं फिर से पेस्ट लगाऊँगा तीनों पॉइंट पे, और तीन इधर पॉइंट जो है इनमें हम लोग पेस्ट फिर से लगाएंगे, और यहाँ पर आप सीधा आपको सोल्डिंग आयरन यूज़ कर लेना है ऐसे करके। अब गाइस यहाँ पर मैं सोल्ड करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे अच्छी तरह सेट कर लिया है। यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लोग अब सोल्डिंग आयरन का यूज़ करेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देखो मेरी सोल्डिंग आयरन यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, इसके बिट यहाँ पर टूट चुका है, यहाँ पर मुझे बिट इसका चेंज करना होगा, ठीक है। चलो अब फटाफट मैं बिट इसका चेंज कर लेता हूँ।